नीट पेपर लीक मसले पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक है और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी। इस वक्त हम लोग 10 जनपद पे हैं और राहुल गांधी नीट के छात्रों से आज मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आप देख सकते हैं 10 जनपद पर राहुल गांधी इन छात्रों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 11 से 12 छात्र जा चुके हैं और कुछ 7 छात्रों को इस वक्त आप जाते हुए देख सकते हैं जो नीट की परीक्षा देने वाले छात्र हैं। इन लोगों ने, इनमें से कुछ लोगों ने दिया भी है और बहुत लोग देने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे हैं जिन्होंने इस बार नीट के पेपर को दिया था, जिसका पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया जा रहा है और उसमें गड़बड़ियों की बात खुद शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया। राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में ये कहा कि वो संसद के सत्र में इस मसले को उठाएंगे और सरकार पर लगातार आक्रामक है। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग शिक्षा संस्थान पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पेपर लीक हो रहा है और इसको रिवर्स करना होगा, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा अगर ईमानदार लोग संस्थानों में बैठे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नेट की परीक्षा को तो सरकार ने कैंसिल कर दिया, देखना होगा कि नीट को लेकर क्या सरकार करती है। तो सरकार पर लगातार राहुल गांधी आक्रामक हैं और इस बीच नीट के छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं और बारीकियों को सुनेंगे और लगातार इस मसले को आने वाले वक्त में भी उठाते रहेंगे। नीट पेपर लीक मसले पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक है और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी। इस वक्त हम लोग 10 जनपद पे हैं और राहुल गांधी नीट के छात्रों से आज मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आप देख सकते हैं 10 जनपद पर राहुल गांधी इन छात्रों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 11 से 12 छात्र जा चुके हैं और कुछ 7 छात्रों को इस वक्त आप जाते हुए देख सकते हैं जो नीट की परीक्षा देने वाले छात्र हैं। इन लोगों ने, इनमें से कुछ लोगों ने दिया भी है और बहुत लोग देने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे हैं जिन्होंने इस बार नीट के पेपर को दिया था, जिसका पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया जा रहा है और उसमें गड़बड़ियों की बात खुद शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया। राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में ये कहा कि वो संसद के सत्र में इस मसले को उठाएंगे और सरकार पर लगातार आक्रामक है। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग शिक्षा संस्थान पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पेपर लीक हो रहा है और इसको रिवर्स करना होगा, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा अगर ईमानदार लोग संस्थानों में बैठे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नेट की परीक्षा को तो सरकार ने कैंसिल कर दिया, देखना होगा कि नीट को लेकर क्या सरकार करती है। तो सरकार पर लगातार राहुल गांधी आक्रामक हैं और इस बीच नीट के छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं और बारीकियों को सुनेंगे और लगातार इस मसले को आने वाले वक्त में भी उठाते रहेंगे। नीट पेपर लीक मसले पर राहुल गांधी लगातार आक्रामक है और राहुल गांधी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी भी। इस वक्त हम लोग 10 जनपद पे हैं और राहुल गांधी नीट के छात्रों से आज मुलाकात कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। आप देख सकते हैं 10 जनपद पर राहुल गांधी इन छात्रों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले 11 से 12 छात्र जा चुके हैं और कुछ 7 छात्रों को इस वक्त आप जाते हुए देख सकते हैं जो नीट की परीक्षा देने वाले छात्र हैं। इन लोगों ने, इनमें से कुछ लोगों ने दिया भी है और बहुत लोग देने वाले भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग वैसे हैं जिन्होंने इस बार नीट के पेपर को दिया था, जिसका पेपर लीक होने का आरोप भी लगाया जा रहा है और उसमें गड़बड़ियों की बात खुद शिक्षा मंत्री ने स्वीकार किया। राहुल गांधी ने इससे पहले प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता में ये कहा कि वो संसद के सत्र में इस मसले को उठाएंगे और सरकार पर लगातार आक्रामक है। ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के लोग शिक्षा संस्थान पर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से ये पेपर लीक हो रहा है और इसको रिवर्स करना होगा, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा अगर ईमानदार लोग संस्थानों में बैठे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि नेट की परीक्षा को तो सरकार ने कैंसिल कर दिया, देखना होगा कि नीट को लेकर क्या सरकार करती है। तो सरकार पर लगातार राहुल गांधी आक्रामक हैं और इस बीच नीट के छात्रों से मिलकर उनकी समस्याओं और बारीकियों को सुनेंगे और लगातार इस मसले को आने वाले वक्त में भी उठाते रहेंगे।